गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम हमारे लेक्चर को एक नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। वो टॉपिक है हमारा द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के साथ अब हम हमारी नेक्स्ट यूनिट में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में यूनिट सिस्टम चलता है, ठीक है ना। आपका जो आपकी जो बुक है, जैसे तीन पेपर हैं तो हर बुक में क्या होता है, अलग अलग यूनिट वाइज आपके सारा सिलेबस दे रखा होता है। तो ये यूनिट जो होगी हमारी सेकंड यूनिट है, इससे पूर्व हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। एक ब्रीफ रिकॉल लेते हैं और फिर इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। यूनिट जो फर्स्ट थी उसके अंतर्गत आपके तीन टॉपिक थे मेन। एक तो था आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र, ठीक है। इसके अंतर्गत सारी चीजें आ गई, निर्देश तंत्र क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, इसके अलावा आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखी थी, गैलीलियन रूपांतरण, फिर आपने आभासी या छद्म बल को देखा था, फिर घूर्णी निर्देश तंत्र को देखा और कोरिओलिस बल, ये सारे टॉपिक इसी के अंतर्गत थे। फिर इसके साथ इसमें एक चीज ये भी आती थी एसटीआर यूनिट में, और एक आता है सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना। एसटीआर को कहते हो आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, और सेंट्रल फोर्स को कहते हो केंद्रीय बल। तो जो मेरे चैनल है, यूट्यूब चैनल जो मेरा है, जिस पर आपके फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स का जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें तो केवल आपको इस FOR यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटेड वीडियो ही वहाँ अवेलेबल है। लेकिन STR और सेंट्रल फोर्स के जो वीडियो है, हालांकि मैंने इनके वीडियो बना रखे हैं, लेकिन इन दोनों की वीडियो को मैंने क्या किया, जो हमारा एक प्लेलिस्ट मेरी और है उसमें MSc एंट्रेंस एग्जाम की फॉर IIT JM, तो उसमें इन दोनों को डाल रखा है। क्योंकि जब ये बनाए गए थे तब उन स्टूडेंट की डिमांड पर बनाए गए थे जिनको IIT एंट्रेंस एग्जाम देना था, तो चीज वो की वही है। तो आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आपको ये टॉपिक भी देखने हैं तो आप आराम से जाकर के जो IIT एंट्रेंस वाली प्लेलिस्ट है उसमें से इसको आराम से सुन सकते हो। ये तो कंप्लीटली मैंने डाल रखा है, ये टॉपिक तो पूरा है। हालांकि STR अभी पूरा उसमें नहीं डाल रखा है, केवल इसके दो लेक्चर ही हैं और कम से कम इसके 4-5 लेक्चर और होंगे तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसको भी मैं धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम की अवेलेबिलिटी होगी मैं डाल दूंगा। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि चैनल पर आपको ये दोनों टॉपिक की वीडियो कहाँ मिलेंगी, IIT एंट्रेंस IIT जैम या MSc एंट्रेंस एग्जाम की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये दोनों टॉपिक मिल जाएंगे, तो आप उसको वहां से देख सकते हो। और ये तो आपको फर्स्ट ईयर मिल जाएगा, हालांकि थोड़े टाइम बाद मैं इनको कन्वर्ट करके फर्स्ट ईयर में डाल दूंगा, लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि ये टॉपिक भी अवेलेबल है, ठीक है ना, तो आप उसको वहां से देख लीजिए। तो चलो, ये हमारी पहली यूनिट जिसको हमने कंप्लीटली देख लिया था, और होपफुली आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आप कोई भी एक जो बुक आपके पास है उससे अच्छे से करते रहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका सब्जेक्ट पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उस पर कमांड भी अच्छी होती चली जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पुनः वही आप किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया की सहायता से पूछ सकते हो। तो ये हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली, अब हम हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं। जो टॉपिक आज हमें शुरू करना है सेंटर ऑफ मास, उसकी हम चर्चा करते हैं। बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, जब द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास की चर्चा करते हैं तो ये बहुत बेसिक टॉपिक है और आपको इसके बारे में काफी हद तक जानकारी है, आप छोटी क्लास इस शब्द को सुनते आ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए द्रव्यमान केंद्र क्या है तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो एक जनरल आइडिया हम ऐसा देते हैं कि किसी पिंड के अंतर्गत एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान एक तरह से केंद्रित रहता है। तो बिल्कुल सही है, यही डेफिनेशन है इसकी, लेकिन इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पेन है, ये क्या एक निकाय है जो कई सारे कणों से मिलकर के बना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस पेन पर अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो F, तो इसमें क्या होगा, इसमें विस्थापन होगा। इसमें विस्थापन होने का मतलब क्या है, ये जिन जिन कणों से मिलकर के बना है उन सभी कणों पर विस्थापन होगा। जैसे मान लो 10 कण है सपोज कीजिए, तो पहला कण भी विस्थापित होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, लेकिन सबका विस्थापन अलग अलग होगा। लेकिन आपको ऐसा थोड़ी दिखाई दे रहा है कि पहला कण कहीं किधर जा रहा है, दूसरा किधर जा रहा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है आपको। तो क्या लग रहा है कि ये पेन एज ए होल यानी समग्र रूप से ये जो पेन है वो एक साथ आपको विस्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां से इस आइडिया को पकड़िए आप। तो ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, अब जैसे एक तो ये पेन है और एक सिंपल कोई एक द्रव्यमान मतलब एक कोई सिंगल पार्टिकल सिस्टम लीजिए, एक कण तंत्र, उस पर आप फोर्स लगाइए तो वो भी कण क्या होगा, आपको विस्थापित होता हुआ दिखाई देगा। तो एक तरफ से तो आपके ये n पार्टिकल है, खूब सारे कणों से मिलकर बना हुआ पिंड है,
उस पर आप बल लगा रहे हो तो वो भी क्या दिखाई दे रहा है, एज ए होल यानी समग्र रूप से विस्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ऐसा कण जो केवल एक ही द्रव्यमान से m1, जैसे मान लो कोई सिंगल पार्टिकल से बना कोई निकाय है, उस पर भी आप बल लगा रहे हो तो वो भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि द्रव्यमान केंद्र को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, कि द्रव्यमान केंद्र किसी भी पिंड या निकाय के अंतर्गत एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर हम उस पिंड या निकाय की गति की व्याख्या करने के लिए उस निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं। आप देखिए ना, ये पेन है, तो ये पेन क्या कर रहा है, एक ऐसे पिंड के रूप में काम आपको बिहेव कर रहा है जैसे इसका द्रव्यमान क्या हो, कैपिटल एम हो, जबकि इसके अंतर्गत m1, m2, m3, m4 द्रव्यमान के कई सारे कण हैं, लेकिन ये ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे ये कैपिटल m द्रव्यमान का एक पिंड हो। तो इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, मैं लिखवा देता हूं एक बार, ठीक है। तो आप लिख लीजिए किसी पिंड या निकाय यानी सिस्टम, किसी पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां उस पिंड या निकाय की गति की व्याख्या करने के लिए, किसी पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्र ऐसा बिंदु होता है जहां उस पिंड या निकाय की गति की व्याख्या करने के लिए उसके संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। तो यह क्या कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र। यह इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको मैंने आपको एग्जांपल से भी बता दिया। तो क्या बोला मैंने, मैंने ये बताया है किसी पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जहां उस पिंड या निकाय की गति की व्याख्या करने के लिए उसके संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। यानी उस बिंदु पर आप क्या मान सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई पूरा आपका पिंड है, तो कोई एक ऐसा बिंदु है जहां पर आप क्या कर सकते हो, उसके संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हो। ये m1, m2, m3 अलग अलग द्रव्यमान कणों से मिलकर के बना है, लेकिन अगर आपको इस पिंड की गति की व्याख्या करनी है, यानी इस पर जो बल f = ma लग रहा है जिसके कारण से विस्थापन हो रहा है, तो उस बल की व्याख्या आप ऐसे कर सकते हो जैसे संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित है। तो ये डेफिनेशन थी जिसको मैंने आपको बताया, बहुत बेसिक है, हालांकि अभी हमें पूरा डिटेल में टॉपिक देखना है। अब हम आगे क्या करते हैं कि द्रव्यमान कोई भी पिंड है, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां स्थित होगा, यानी एक तरह से देखा जाए तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, या आप यूं कह सकते हो कि द्रव्यमान केंद्र के लिए हम एक क्या करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे, एक गणितीय व्यंजक को प्राप्त करेंगे, यानी एक ऐसी हम शर्त निकाल करके लाएंगे कि अगर इस शर्त का पालन हो रहा है तब वह बिंदु आपका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। इस डेफिनेशन में तो हमने शर्त क्या लगा दी कि संपूर्ण व्याख्या करने के लिए आप उसको केंद्रित मान सकते हो। अब हम क्या करेंगे, एक सिस्टम लेंगे पूरा, ठीक है, एक बड़ा सिस्टम लेंगे और उस सिस्टम के अंतर्गत हम बताएंगे कि यदि इस शर्त का पालन हो रहा है तो इस सिस्टम के अंतर्गत वह बिंदु जो भी हम निर्धारित करेंगे वह आपका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। आप बहुत ध्यान से देखिए, मैं पूरा बोर्ड पर लिख करके आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो मैथमेटिकल जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर समय उसको याद रखना है, वो बहुत काम आने वाली है, और वही एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है एक तरह से। तो देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बहुकण तंत्र ले रहा हूं, याद रखिए मैं क्या ले रहा हूं, बहुकण तंत्र। बहुकण तंत्र का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सिस्टम या निकाय या बॉडी जो अनेक कणों से मिलकर के बनी है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये क्या एक एन कण तंत्र है जिसमें एम वन, एम टू, एम थ्री इस प्रकार के अलग अलग द्रव्यमान कणों से मिलकर के बनी है। ये मान लीजिए आपके पास एम टू है, ये मान लीजिए आपके पास M1 है, उसी प्रकार से ये N कणों से मिलकर के बनी है, ठीक है ना, M1, M2, ये आपका M3, M4, कुछ भी कह दीजिए आप, ठीक है ना। कहने का मतलब है अनेक कणों से मिलकर के ये बनी है। अब देखिए, निर्देश तंत्र की परिभाषा आप जानते हो, ये मान लीजिए कोई निर्देश तंत्र है आपका, कोई भी निर्देश तंत्र है, मैंने यहां डिफाइन कर दिया। तो अगर मैं कहूं कि इस
कण या ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंतर्गत जो कण है M1, M2, M3, M4 जितने भी, उनके स्थिति सदिश क्या होंगे। तो किसी भी पिंड के लिए अगर आपको स्थिति सदिश को डिफाइन करना है तो आपको क्या चाहिए, निर्देश तंत्र चाहिए। ये हम बिल्कुल बेसिक समझ चुके हैं पहले यूनिट में कि निर्देश तंत्र क्या है। निर्देश तंत्र सिंपल सा अर्थ है कि किसी भी घटना को आप कहां से खड़े होकर के देख रहे हो। जैसे मैंने कह दिया कोई एन कण तंत्र है, इसके M1 द्रव्यमान का स्थिति सदिश R1 है, तो आप मुझसे पूछोगे R1 कहां से है, तो मैंने कह दिया भाई मैंने कोई निर्देश तंत्र ले लिया, ये वो मूल बिंदु है, तो यहां से इसका स्थिति सदिश क्या है, R1 है। ठीक है, आप कहीं यहां भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी भी घटना की व्याख्या करोगे तो किसी भी घटना की व्याख्या करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक निर्देश तंत्र चाहिए। मैंने शुरुआत में जो फर्स्ट लेक्चर में यही बता दिया कि कोई भी इवेंट को अगर आप समझा रहे हो तो इवेंट में दो चीजें होती है, व्हेन एंड वेयर, कब और कहां, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक निर्देश तंत्र चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, एक निर्देश तंत्र ले लिया। तो इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष M1 द्रव्यमान का जो कण है उसका स्थिति सदिश क्या है, R1 है। उसी प्रकार से जो आपका M2 होगा उसका क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई आईवा कण है, कौन सा है, आईवा कण, इन जनरल I=1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो कोई आईवा कण है उसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, उसका स्थिति सदिश हो जाएगा आपके RI हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक है। अब आपको पता है कि ये पूरा एक सिस्टम है जो अनेक कणों से मिलकर के बना है, प्रत्येक कण के द्रव्यमान अलग अलग है, M1, M2, M3, और इस पूरे सिस्टम का एक द्रव्यमान केंद्र भी है। अब मान लीजिए इस पूरे सिस्टम में कोई एक बिंदु C है, कोई बिंदु एक C है, इस C का स्थिति सदिश में क्या कह रहा हूं, कोई RC है। अभी यह बिंदु C द्रव्यमान केंद्र नहीं है, याद रखिए, कोई मैंने एक रैंडम यादृच्छिक रूप से एक बिंदु C ले लिया, उस C का स्थिति सदिश में कह रहा हूं कैपिटल RC। ठीक है ना, अब देखना यही बिंदु सी अभी थोड़ी देर के बाद आपको द्रव्यमान केंद्र मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या होगा, कोई एक ऐसी शर्त हम निकालेंगे जिसका पालन होना जरूरी है। और जब किसी भी निकाय के लिए उस शर्त का पालन हो जाएगा तो वह बिंदु सी आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। यानी थोड़ी देर के बाद जो बिंदु सी है यह CM यानी सेंटर ऑफ मास में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यह ऐसा ही नहीं होगा, आप एक कंडीशन निकालोगे, वो कंडीशन जब आप उस सिस्टम पर इंपोज करोगे, अप्लाई करोगे, लागू करोगे, तब वो बिंदु सी क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को मैं क्या करता हूं, एक बार पूरा लिख देता हूं, इस डायग्राम में मैंने क्या क्या दर्शाया है, तो आप नोट कर लीजिए। तो जो मैंने डायग्राम बनाया है उसको मैंने लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है, आप आराम से नोट कर लीजिए और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है, माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र में कैपिटल M द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है, यानी ये आपका एक स्थिर निर्देश तंत्र है और ये पूरा क्या है, पूरा कंप्लीट कैपिटल M द्रव्यमान का पिंड है। ठीक है ना, पूरा यह पिंड N कणों से मिलकर के बना है। हमने मान लिया कि ये आपके M1, M2, M3 इस प्रकार के क्या है, जो आपका आई वा कण है, I=2 आपके चल रहा है 1 to N तक। ठीक है ना, N कणों से मिलकर के बना है, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3 और MN वो मिलकर के कैपिटल M दे देंगे आपको। फिर मैंने क्या लिखा है, माना पिंड के एक कण, कोई एक कण जिसको मैंने कह दिया इन जनरल आईवा कण, आईवे कण का द्रव्यमान MI तथा स्थिति सदिश RI है। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है ये MI, ये RI, अगर पहले का देखना है तो R1 M1 R2 M2 इसी प्रकार से आईवे का MI RI। फिर मैंने आगे क्या लिखा है, माना पिंड में कोई बिंदु सी है, ये रहा कोई बिंदु सी मान लीजिए, जिसका स्थिति सदिश RC है, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या है, RC है। फिर मैंने आगे क्या लिखा है, तथा इस लाइन को समझना बहुत ध्यान से, तथा बिंदु सी के सापेक्ष आईवे कण का स्थिति सदिश RCI है। अभी तक ये जितने भी आप स्थिति सदिश ले रहे हो R1, R2, कैपिटल RC, RI, ये सब किसके सापेक्ष है, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष है। लेकिन मैंने एक स्थिति सदिश और डिफाइन किया है, वो क्या किया है, RCI। ये RCI क्या है, आईवे कण का है स्थिति सदिश, लेकिन किसके सापेक्ष, बिंदु सी के सापेक्ष। यानी आप जो ये RCI का मेजरमेंट करोगे वो यहां से नहीं करोगे, यहां से तो मेजरमेंट किसका होगा, R1, R2 इन सब का, क्योंकि आप पहले से कह रहे हो कि मूल बिंदु या स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष है। लेकिन RCI किसके सापेक्ष है, बिंदु सी के सापेक्ष। यानी अब जो आप इस RCI को लिखोगे वो कैसे लिखोगे, आप बिंदु सी से चले और आईवे कण तक पहुंच गए, ये डायरेक्शन, ये आपकी क्या है, RCI। मेरी बात समझ गए आप।
स्थिति सदिश जो भी होता है R1, R2, कुछ भी, ये हमेशा क्या होता है, सापेक्षिक होता है। आपको कोई न कोई एक बिंदु या कोई न कोई एक निर्देश तंत्र डिफाइन करना पड़ेगा। R1 आप क्यों लिख पा रहे हो, क्योंकि आपके पास एक निर्देश तंत्र है। हमने डेफिनेशन ये लिखा है कि माना एक स्थिर निर्देश तंत्र, हमने पहले से एक निर्देश तंत्र डिफाइन कर दिया, उसके आधार पर हम इसको क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। तो मेरी बात समझ गए आप, ये RCI क्या है, RCI है बिंदु C के सापेक्ष आई वे कण का स्थिति सदिश। अब जैसे आपसे पूछ ले कि RC1 क्या है, तो RC1 क्या हो जाएगा, यहां C से शुरू होगे और M1 तक चलोगे, तो C से शुरू होते हुए M1 तक जब आप जाओगे तो वो जो स्थिति सदिश बन रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, पहले कण का बिंदु C के सापेक्ष स्थिति सदिश। और ये डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, आप डायरेक्शन को RCI को यहां से यहां मत लगा दीजिए, क्योंकि जिसके सापेक्ष है वहां से शुरू करना है और जिसका देखना है वहां तक पहुंचना है। तो आई वे कण का देखना है और किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष, तो आप सी से शुरू कीजिए, इस बिंदु सी से शुरू कीजिए और आई वे कण पर आप पहुंच जाइए और एरो लगाओगे इस प्रकार से, तब ये आपका RCI क्या कहलाएगा, सी के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप आगे देखिए, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं, साफ करता हूं, ये सब आप नोट कर लीजिए आराम से वीडियो को पॉज करके, और अब आगे आप समझिए आगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अब देखिए इस डायग्राम को एक बार मैं इधर वापस बनाता हूं, पूरा नहीं, केवल तीन स्थितियां। ये आपका एक स्थिति निर्देश तंत्र है, ये आपका कोई एन कर्ण तंत्र है, यहां पर आपका बिंदु सी है, यहां पर आपका कोई आई वा कर्ण है। तो हमने क्या क्या डिफाइन किया, एक तो ये डिफाइन किया आपका आर आई, ये डिफाइन किया आपका आर सी, और एक ये डिफाइन किया आर सी आई, ये आपने डिफाइन कर रहे हैं। अब आप किसी भी सदिश के संदर्भ में त्रिभुज नियम को जानते हो, ठीक है ना, आप इसको 11th या 12th क्लास में पढ़ चुके हो कि त्रिभुज नियम के अनुसार क्या होता है कि जब भी तीन सदिश होते हैं तो कोई दो कंटिन्यूएशन में जो सदिश होंगे उनका योग तीसरे के बराबर होगा। अब ये तीन के लिए नहीं, ये चार के लिए, पांच के लिए, कितने ही सदिश हो, जो सब कंटिन्यूएशन में उन सबका योग जो लास्ट में बचेगा उसके बराबर होगा। तो जैसे मान लीजिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन ये इधर आना चाहिए लेकिन ये इधर से है, तो इस त्रिभुज नियम से अगर मैं इसमें त्रिभुज नियम लगाऊं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आप देखिए RC प्लस RCI इज इक्वल टू RI। आप देखिए ये दोनों कंटिन्यूएशन में है और ये विपरीत दिशा में है, तो आप यहां लिख सकते हो सदिशों के लिए त्रिभुज नियम से, आप यहां लिख दीजिए सदिशों के लिए त्रिभुज नियम से, आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आगे मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को मैं निकाय के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों पक्षों को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हो आप, मैं ऐसा लिख सकता हूं समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n mi, यानी इस पद से मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी समीकरण को गुणा कर रहा हूं। तो ये लीजिए RC के साथ भी हो गया, प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n mi, RCA भी हो गया इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n mi, और RI भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2, मैंने कुछ नहीं किया है, तो पिंड का द्रव्यमान है उसको मैंने क्या कर दिया, समीकरण 1 के दोनों पक्षों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए अभी तक जो हमारा बिंदु C है वो क्या है, एक बिंदु C है, अभी हम उसको द्रव्यमान केंद्र नहीं कह रहे, और ये जो एक राशि निकल करके आई है इसका एक नया नाम है, ये जो है आपकी समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n mi RCI, ये बेसिकली है क्या, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो आप, M1 RC1 प्लस M2 RC2 प्लस डॉट डॉट MN RCN, ये इसी प्रकार से लिख सकते हो। तो ये जो इंडिविजुअल पद है M1 RC1 M2 RC2 MN RCN, ये क्या कहलाते हैं, आगुण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आगुण, ठीक है ना, आपको ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं, इनका एक नाम है आगुण। तो ये पहले कण का आगुण, ये दूसरे का, तीसरे का, और ये दर्शा क्या रहा है, M1 RC1 क्या दर्शा रहा है, M1 RC1 दर्शा रहा है पहले कण का द्रव्यमान और बिंदु C के सापेक्ष स्थिति सदिश का गुणनफल। इसको अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहो, यहां देखिए आप
M1RC1 को अगर मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, पहले कण का द्रव्यमान तथा उसी कण की बिंदु C के सापेक्ष स्थिति सदिश का गुणनफल। तो ये क्या कहलाएगा आपका, पहले कण का आघूर्ण कहलाएगा। अब बस अब हमारे मेन चीज पर आगे, यहां तक आप पूरा समझ चुके हो, अब मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा, उस कंडीशन को आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। वो कंडीशन है वही आपके द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा बताएगी। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, आप ऐसा लिख दिए, यदि समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n m i r c i इज इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है, यानी अगर ऐसी स्थिति है कि सभी आघूर्णों का योग शून्य हो, तब उस स्थिति में बिंदु सी निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। याद कीजिए बस, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यानी अगर आघूर्णों का योग शून्य है या इस प्रकार की जो कंडीशन फुलफिल होगी, तभी आपका बिंदु सी क्या कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। तो इन जनरल तो आप कोई भी बिंदु सी लेकर इस प्रकार की इक्वेशन लिख सकते हो, लेकिन जैसे इस इक्वेशन में आपने इस पद को जीरो किया, तो उसी समय जो बिंदु सी होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास में हो जाएगा। तो ये कंडीशन आप याद रखिए, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n m i r c i इज इक्वल टू 0। और इसको आप लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, कि किसी पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होगा जिसके लिए उस निकाय के सभी कणों का उस बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश से गुणनफल का योग शून्य होगा। मैं अभी इसको लिख दूंगा, लेकिन आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है, MIRCI, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। अब इसकी लैंग्वेज क्या बनती है उसको मैं आपको नोट करके बता देता हूं, ताकि हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है, इसको आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल जो मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन लिखा है उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं क्या कह रहा हूं कि किसी पिंड या निकाय में वह बिंदु कौन सा था आपका, सी था, जिसके सापेक्ष पिंड के विभिन्न कणों के द्रव्य दूरी का गुणनफल का योग, यानी m1 r c1, ये तो क्या है, पिंड का किसी एक कण का द्रव्यमान और उस बिंदु सी से उसकी सदिश दूरी का गुणनफल, और इन सभी का योग यानी m2 r c2 m3 r c3, उन सभी का योग यदि शून्य हो, गुणनफल शून्य हो, तब उस स्थिति में तो वो जो बिंदु होगा सी आपका क्या कहलाएगा, निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा, और द्रव्यमान केंद्र को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो आगे जब भी मैं द्रव्यमान केंद्र की बात करूंगा, मैं अगर जब सीएम लिखूं तो आप अपना आप समझ जाइएगा सीएम का मतलब क्या है, द्रव्यमान केंद्र है, ठीक है ना, क्योंकि बाद में बार बार मैं द्रव्यमान केंद्र लिखूंगा, सीधा ऐसे लिखूंगा सीएम। तो आप समझ जाइएगा सीएम का मतलब क्या है, सीएम का मतलब है निकाय का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो ये थी हमारी मैथमेटिकल कंडीशन। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीख लिया, एक तो द्रव्यमान केंद्र की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन क्या थी, कि जहां पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को हम केंद्रित मान सकते हैं। फिर हमने क्या लिया, एक n पार्टिकल सिस्टम लिया, उसके लिए एक मैथमेटिकल कंडीशन फाइंड की, ये समेशन i इज़ इक्वल टू 1 to n m i r c i इज़ इक्वल टू 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को मैं एक बार यहीं समाप्त करता हूं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, द्रव्यमान केंद्र के संदर्भ में और अधिक चीजों को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।